हेलो क्लास 12। इन दिस वीडियो हम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स को पढ़ रहे थे। इसके प्रीवियस हमने कोल्बी रिएक्शंस को और हैलोजिनेशन नाइट्रेशंस को पढ़ लिया है। आज हम उसके आगे नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसे पढ़ने वाले हैं, वैमन टीमन रिएक्शन। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर नेम रिएक्शन है, जिस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो इस रिएक्शन में जो चीज़ें बनती है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। दैट्स वाई दोनों ही तरीकों से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो इस रिएक्शन में होगा क्या, अगर आपको प्रीवियस रिएक्शन याद होगी, सो उस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, यानी कि जो गोल पे रिएक्शन थी अगर वो आपको याद होगी, सो वहां पर हम फिनॉल को ट्रीट करवाते हैं विथ एन ए ओ एच, राइट। तो वो तो हमें याद है। सो हम एन ए ओ एच के साथ यहाँ पे ट्रीट करवा रहे हैं, पर इन कॉल्बी रिएक्शन में हम सिर्फ उसे NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं। यहाँ पर हम उसे NaOH के साथ तो ट्रीट करवा रहे हैं, पर इसके साथ यहाँ पर एक और सोल्यूशन है, दैट इज क्लोरोफॉर्म। हम क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी CHCl3 प्लस एक्वस NaOH, इन दोनों का सोल्यूशन बना के जब हम उसे फिनॉल्स के साथ ट्रीट करवाते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड मतलब फ्यू सेकेंड या फ्यू टाइम के लिए वो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ओके। जहां पर होगा क्या, ये अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, सो पहले तो एक यहां पर ओ है, ओके, और एन ए है, वो यहां से आकर इस एच को यहां से रिमूव करता हुआ यहां पर एन ए अटैच हो जाएगा। यहां से क्या हटा बेटा, एच, और यहां से एन ए हट गया तो यहां पर क्या बचा है, OH। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, H2O, ठीक है। सो पहले वहां से वो फॉर्म होता है, दूसरी तरफ ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 लग जाता है, CHCl2। तो अभी यहाँ पर कितने Cl बचे हुए, एक Cl अभी यहाँ पर बचा हुआ है, और जब यहाँ पर यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे वो जाकर ऐड होगा तो वहां से एक H रिलीज होता है, सो एक HCl भी यहाँ पर बनेगा। एंड ऑन द पोजिशन, एच की पोजिशन पे एन ए ज्वाइन हो जाता है, और ऑर्थो पोजिशन पे CHCl2 ज्वाइन जाता है, और जो Cl है वो एच के साथ मिलके HCl बना के वहां से रिमूव हो जाता है। तो ये जो कंपाउंड बना है, ये जो रिएक्शन के बीच में कंपाउंड बनता है, इसे हम इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं। फॉर अ फ्यू सेकेंड के लिए ये बनता है, एंड आफ्टर नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इन द फर्दर प्रोसेस। फर्दर हम इसको अगर ट्रीट करवाए विथ एन ए ओ एच, हम फर्दर इसे फिर से ट्रीट करवाते हैं, फिर से हम इसे ट्रीट करवाएंगे विथ एन ए ओ एच। इसे जब वापस हम एन ए ओ एच के साथ ट्रीट करवाते हैं, सो होगा क्या, जो ये आपका सी एच सी एल टू लिखा हुआ है, सी एच सी एल टू यहां से रिमूव हो जाता है, एंड कुछ इस तरीके का कंपाउंड जिसमें कि ओ एड ए वैसे ही लगा हुआ है, बट यहाँ पर एक एडेड ग्रुप यानी कि सी एच ओ ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। ये कब अटैच होगा, जब हम उसको फर्दर ट्रीट करवाएंगे विथ एन ए ओ एच, ओके। आफ्टर दिस प्रोसेस हम फिर से ट्रीट करवाएंगे इसको विथ सम एसिड, किसी भी एसिड के साथ आप इसे, यदि एसिडिक मीडियम के साथ या एच प्लस एक एसिडिक मीडियम के साथ आप उसको यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एच सी एल को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, HCl अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या निकलेगा, उससे H प्लस और Cl माइनस निकलेगा, H प्लस एंड Cl माइनस। सो ये H प्लस जाकर इस Na को वापस रिमूव कर देगा, और ये NaCl के साथ कंबाइन होके NaCl बनकर वहां पर निकल जाएगा, और द लास्ट हमें क्या मिलेगा, इन द लास्ट हमें मिलने वाला है कुछ इस तरह का कंपाउंड हमें लास्ट में मिलेगा। तो जो लास्ट का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसे बोला जाता है सेल्सलिक एल्डिहाइड। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेल्सलिक एल्डिहाइड। तो इन द लास्ट रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, सेल्सलिक एल्डिहाइड मिलता है। सो दैट्स वाई ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर पहले हम एल्कोहल, पता नहीं क्यों एल्कोहल, फिनॉल्स को हम ट्रीट करवाते हैं विद एनएओएच, एंड ऑल्सो सोल्यूशन किसकी प्रेजेंस में हम एनएओएच के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, इन
CHCl3 के साथ, जहां पर होगा क्या एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, फर्दर हम इसे NaOH के साथ ट्रीट करवाएंगे तो CHO ग्रुप आके वहां पर अटैच होता है, एंड फिर एक एसिडिक मीडियम के साथ जब उसे ट्रीट करवाते हैं तो हमें सैलिसिलिकाइड मिलता है। ये भी रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने नेम की वजह से, रिमेंटेबल रिएक्शन की वजह से, एंड ऑल्सो दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से, दोनों वजह से इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो रिएक्शन है जहाँ पे आपने सैलिसिलिकाइड बनाया है, इसके प्रीवियस आपने सैलिसिलिक एसिड बनाए थे, सो उनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, सेम जैसे नाम है बट रिएक्शन अलग है। स्टार्टिंग का प्रोसेस थोड़ा सा एक है बट आफ्टर दैट जो कंपाउंड बनता है वो अलग है, प्रोडक्ट अलग है। तो ये दोनों ही रिएक्शन, पोल्बे रिएक्शन और रामेटेबल रिएक्शन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन्हें आप अच्छी तरीके से पढ़ें। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद जिंक। ओके, रिएक्शन विद जिंक एज डस्ट। ये जो रिएक्शन है आपने अगर प्रीवियस फिनॉल्स की या एल्कोहल के जो भी वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पर मैंने बताया था कि जो फिनॉल्स होते हैं वो क्या इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह वहाँ पे बिहेव नहीं करते, यानी कि जो OH ग्रुप है हमारे इस फिनॉल में लगा हुआ, जो OH ग्रुप है, जो OH ग्रुप है वो यहाँ से रिमूव नहीं हो पाता, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पाता, बहुत सारे रीजंस बताए थे, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड होता है, sp2 है, रेजोनेंस है, इन सारी चीजें। बट वहां पर एक चीज और हुई थी कि जिंक, ओनली जो जिंक है, जिंक की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो पाती है। सो वही रिएक्शन है यहाँ पर जिसमें हम रिंग फिनॉल्स को ट्रीट करवाएंगे विथ जिंक। बहुत सिंपल, बहुत छोटी सी रिएक्शन है जिसमें ये क्या बन जाता है, ZnO बन जाएगा, ZnO जिंक जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और ZnO बन जाता है, एंड साथ उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, एक बेंजीन की रिंग हमें यहाँ पर मिलती है। सो जब भी हम फिनॉल्स को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे सो हमें बेंजीन की रिंग मिलती है, एंड साथ में ZnO में मिलता है, तो हमें वापस एक बेंजीन की रिंग अगर बनानी है फिनॉल्स के इस बार, फिनॉल्स बनने के बाद अगर हम वापस एक बेंजीन की रिंग बनाना चाहते हैं तो वहां पर हम उसको रिएक्ट करवाएंगे विथ अ फिनॉल को, हम किस फिनॉल्स को रिएक्ट करवाएंगे विथ जिंक डस्ट के साथ, और हमें वहां पर क्या मिलेगी, हमें बेंजीन की रिंग मिल जाएगी। सो हम क्या करते हैं उसके लिए, बस उसको हीट करते हैं, और हीट करते हैं किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ, और वो कन्वर्ट हो जाती है इन बेंजीन। लास्ट रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में होगा क्या, हम फिनॉल्स को जब ट्रीट करवाते हैं, फिनॉल्स यानी कि फिनॉल्स को ट्रीट करवाते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस हो यहाँ पर, जैसे कि हम क्या ले रहे हैं, Na2Cr2O7 एंड ऑल्सो H2SO4, यानी कि फर्स्ट दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले रहे हैं, फर्स्ट तो Na2Cr2O7 एंड ऑल्सो H2SO4। सो इन दिस, इन दोनों के प्रेजेंस में होगा क्या, जो रिंग है यानी कि जो हमारे फिनॉल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एंड कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। सो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सॉरी बेंजीन रिंग बनाने की आदत है इस वजह से यहाँ पर, ओके। सो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन्स। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, अगर आप इस वाले कार्बन को ध्यान से देखें, हमारा कीटोन क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O N R, राइट, ये होता है कीटोन। सो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो अगर, सो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन जिससे डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक कार्बन होगा यानी कि एक एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, एक एल्काइल ग्रुप। सो ये क्या है, एक कीटोन यहाँ पर बना, एंड ऑल्सो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा जिससे डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर भी एक कार्बन है यानी कि एक एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप कार्बन लगा हुआ है, बिकॉज सो यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप है, तो इस वजह से दो कीटोन्स हैं।
अगर हम उन्हें यहाँ पे अगर मैं इसे बीच से स्प्लिट कर दूं, अलग कर दूं, तो ये दो कीटोन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी वजह से इसका क्या नाम है, कॉन्जुगेटेड डाइट कीटोन्स इसका यहाँ पर नाम दिया गया। इसका ऑल्सो एक और नाम है यहाँ पर बेंजीनो क्विनोन भी इसे कहते हैं। सो यहाँ पर क्या बनता है, ये जो हमने यहाँ पर देखा कि हमने फिनॉल्स को ऑक्सीडाइज कराया तो उसकी वजह से ओ ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है, यहाँ पर अटैच हो जाता है और बेंजो क्विनोन यहाँ पर बनता है। और ये डाइकेटोन्स भी हमने अभी प्रीवियस जैसे लिखा होता है मैंने कि डाइकेटोन्स से कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन्स होते हैं। ऑल्सो ये तो एक रिएक्शन थी जिसमें हमने फिनॉल्स को ट्रीट कराया विद एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। एनवायरमेंट में अगर फिनॉल रखा जाता है फ्री फॉर्म में और वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता रहे सो वो स्लोली स्लोली ऑक्सीडाइज होता रहता है और ऑक्सीडाइज होकर यानी कि जो फिनॉल्स हैं ये एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके साथ धीरे धीरे वो ऑक्सीडाइज होता रहता है या फिर ऑक्सीजन के साथ स्लोली स्लोली ऑक्सीडाइज होता होता ये क्या बनाता है क्यों क्यूनॉन्स यहाँ पर बनाते हैं। सो यहाँ तक आपकी जो रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो गई, यानी कि जो रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स है ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे इथर्स। ओके और इसके प्रीवियस कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम कॉमर्शली इम्पॉर्टेंस है मेथनॉल और एथेनॉल का, वो बहुत ईजी दिया हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप एक बार उसे पढ़ लीजिए वो समझ में आ जाएगा। और फर्दर हम स्टार्ट करेंगे इथर्स को।